बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम इन बच्चों की दुनिया। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा क्रिस्पी और क्रंची चिप्स, जैसा कि आप लोग बाहर से खाते हैं, और बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो से बाखबर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू की फाड़ियाँ काट देंगे छिलके समेत, लंबा लंबा। इसको फिंगर की तरह काट देंगे लंबा लंबा। इसका इसी तरह सारी फाड़ियाँ काट देंगे। तो व्यूअर्स, इनकी फाड़ियों को हम काटते जाएंगे फिंगर चिप्स बनाए। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने काट लिए। आधा कप हम लोगों ने लिया है बेसन, आधा कप आधी चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे यानी कि हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इससे हम लोग चिप्स की कोटिंग करेंगे। बेसन के अंदर हमने काली मिर्च और नमक ऐड कर दिए, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमने डाल दिए, अब मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। मिक्स करेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसको हम थोड़े थोड़े करके फिंगर चिप्स ऐड करेंगे। सो व्यूअर्स, हमने इसके ऊपर बेसन का मसाला ऐड कर दिया, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। चिप्स हमारे फ्राई हो रही है। व्यूअर्स, फिंगर चिप्स का हम लाइट ब्राउन कलर लेके आएंगे। अब सेकेंड राउंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह ऐड करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे और फ्राई करेंगे। तो फ्लेम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मीडियम एंड नीचे से फ्लेम। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो आप बनाए, आप अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, और आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स लंच में आप इनको दे सकते हैं, स्कूल ले जाने के लिए दे सकते हैं, और ये आप लोग स्नैक्स में खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इस स्टाइल में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा खाकर। ये रेसिपी बहुत टेस्टी होती है और चटपट तैयार हो जाती है। बस आप आलू को काटे और इसकी चिप्स बना ले, और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप देख सकते हैं हमारे फिंगर चिप्स क्रंची है, तो ये और क्रंची हो जाएंगे और फिर खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। निकाल लेंगे, तो इसी तरह हम लोग फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ केचप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, और आप इसके ऊपर मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
जिसकी मदद से इसके जायके में इजाफा होगा और ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही घंटी के निशान जरूर दबाइएगा। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी जाएँ और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।